वीडियो में सर हम वाटर क्यों रिमूव करते हैं आपके केजेस में? अनफर्टिलिटी तो मेल की वजह से आती है, फीमेल ने तो एग उतारने हैं। कौन सा स्प्रे करना चाहिए जो बच्चों को अफेक्ट भी ना करें और मच्छरों से भी दूर रहे? कहता है उसका सोल्यूशन क्या है, मंडे के ऊपर क्या चीज़ लगाएंगे? उसके ऊपर आप नेल पॉलिश लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। सर एक केज में मिनिमम कितने बर्तन होने चाहिए? इशू आता है कि बच्चा कमजोर होता है, वो अंडे से निकल नहीं पाता। सर क्या हमें उस बच्चे को अंडे से निकाल देना चाहिए या वो उसी खेल में डेथ कर फीमेल के एग बाइंडेज का इशू होता है सर, उसका सोल्यूशन क्या? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चरस। आज हम आए हैं आरीवाला में बॉबी बर्ड्स ब्रीडिंग फार्म में, जिसके ओनर नवीद भाई है। इनकी तारीफ ये है, इनका 25 साल का एक्सपीरियंस है बर्ड्स की ब्रीडिंग में, 25 साल से बर्ड्स की ब्रीडिंग करवा रहे हैं। अगर आपने कोई सेल परचेज करना है बर्ड तो है आपको होल सेल रेट पर प्रोवाइड करेंगे। ऑस्ट्रेलियन से लेकर मगाओ तक आपको कोई भी पेयर चाहिए, ब्रीडर चाहिए, अडल्ट चाहिए, चिक्स चाहिए, ये आपको क्वांटिटी में अवेलेबल करेंगे। इसके अलावा आपको मेडिकेशन के बारे में एडवाइस चाहिए तो नवीद भाई आपको मेडिकेशन के बारे में भी एडवाइस देंगे। अगर आपको इसके अलावा कोई एक्सपेंसिव कंपनी के जो डीवर्मिंग है, विटामिन्स है, लूज पैकिंग में चाहिए, आप नवीद भाई से रब्ता कर सकते हैं। ये आपको लूज पैकिंग में जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतनी क्वान्टिटी में आपको प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे नवीद भाई से, मॉस्किटोज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम मच्छरों से कैसे बचा सकते हैं अपने शेड को। इसके अलावा चूहे आते हैं, चिड़ियाँ आती हैं, हशरात आते हैं, उनसे हम अपने शेड को कैसे बचा सकते हैं। बर्तन हम कौन से यूज़ करें अपने पैरेट के लिए, क्या हमें मिट्टी के बर्तन यूज़ करने चाहिए या जो कोलियाँ होती हैं लोहे की वो हमें यूज़ करने चाहिए। सर्दियों में पानी क्यों निकाल दिया जाता है परिंदों आगे केज में से, आगे अनफर्टिलिटी का इशू क्यों आता है, एक बाइंडेज की वजह क्या होती है, फीमेल अंडों को क्यों तोड़ देती है और बच्चों को क्यों मार देती है, बायोसिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, बायोसिक्योरिटी कैसे शेड की जाए, क्वारंटाइन के बारे में बात करेंगे, हम जब पैरेट लेके आते हैं बाहर में तो उसकी क्वारंटाइन कैसे करना चाहिए, हमें परचेज कहाँ से करना चाहिए अपने पैरेट। आगे हम उसके एज के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें एज कैसे पता करनी चाहिए पैरेट की, राह की रिंग ना की हम एज कैसे मालूम करेंगे, उसका जेंडर कैसे मालूम करेंगे। आए बात करते हैं नवीद भाई से। नवीद भाई ने मच्छरों के बारे में बताया कि हम शेड में मच्छरों को एंटर होने से कैसे रोक सकते हैं? देखिए एंटर होने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन उनसे बचाया जा सकता है कि आप कोई वो मच्छरों वाली स्प्रे करें और शेड की ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखें। जब आप ट्रे की सफाई करते हैं तो उसे लगाने से पहले थोड़ा सा उसे कोटिंग कर दें, टाइगर पाउडर या कोई भी कीड़े मार पाउडर की कोटिंग करके लगाएंगे। जब बर्ड ड्रॉपिंग करेगा या कोई भी वेस्टेज उससे गिरेगी तो उस पर मच्छर पैदा नहीं होगा। सर बच्चों का बड़ा इशू होता है, बच्चों को जो मच्छर होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, सर बच्चों को कैसे बचाया जाए मच्छरों से? बच्चों को आप मॉस्किल वगैरह लगा सकते हैं और कोई भी दूसरी केयर कर सकते हैं जिससे वो कोई स्प्रे वगैरह करके आप उसे बचा सकते हैं। बॉक्स में कौन सा स्प्रे करना चाहिए जो बच्चों को अफेक्ट भी ना करें और मच्छरों से भी दूर रखे? नहीं, बॉक्स के अंदर स्प्रे नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, ज़ाहिर है कि किसी चीज़ का फ़ायदा होता है तो साथ में नुकसान भी होता है, वो पेरेंट खुद ही ज़्यादातर बचा लेते हैं। कोशिश करें आप सफाई करें, मच्छर पैदा ना हो। सर अगर इन्फेक्शन हो जाता है मच्छर काटने की वजह से बच्चे को, सर उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बच्चे को डायरेक्टली मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, उसके पेरेंट को मेडिसिन देनी चाहिए। जब पेरेंट बच्चे को फीड करवाते हैं तो वो बच्चे के अंदर खुद ब खुद चली जाती है। सर आगे एक बहुत बड़ा इशू है चूहों के बारे में, चूहे शेड में इंटर हो जाते हैं, जब कीड़ियाँ शेड में इंटर हो जाती हैं, सर इनसे कैसे बचाएं चूहों से, सर कैसे बचाएं शेड को? कीड़ियों के लिए तो ये है कि आपका फर्श अच्छा होना चाहिए, उसमें किसी जगह सुराख नहीं होना चाहिए, और कोशिश करें कि दीवार के साथ साथ या कॉर्नर वगैरह में आप कीड़े मार पाउडर डाल दिया करें। चूहों से बचने के लिए आप आधी इंच मुरब्बे की जाली लगाएं, बाहर वाली जो जाली लगती है उससे चूहा इंटर नहीं होता अंदर। सर क्या क्या असर कर सकते हैं हमारे परिंदों पर, अगर चूहे क्या क्या अफेक्ट करते हैं हमारे परिंदों पर? ये एक तो फीड ज़ाया करते हैं, सबसे बड़ा इशू जो होता है ये बर्ड को काटते हैं, उनके पाँव काट लेते हैं। सर किसकी वजह से परिंदे मर भी जाते हैं चूहों की वजह से? जी मर भी जाते हैं, और मरे ना तो अपाहिज हो जाते हैं, अपाहिज भी होते हैं, और जब नाखून काट लिया जाता है या उसकी फिगर काट दी जाती है तो फिर वो ब्रीड के लायक नहीं रहता।
सर कीड़ियों के बारे में सवाल है कि जब कीड़ियाँ इंसेक्ट्स आती हैं सर वो दाना बहुत ज़ाया करती हैं सर, उससे कैसे बचाया जाए दाने को वेस्ट से? मैं आपको बता चुका हूँ कि दीवारों के साथ साथ आप वो पाउडर डाल दिया इन्फेक्शन करते हैं सर कीड़ियाँ सर अगर आप काटती हैं परिंदों को सर उसका कॉमन ट्रीटमेंट बता दें कोई कोई भी आप स्प्रे कर सकते हैं कीड़े मार स्प्रे करती है सर अगर परिंदों को काट लेती हैं कीड़ियाँ उनको सोजिश आ जाती है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसकी वक्त और हालात के हिसाब से आप वीडियो सेंड करें फिर आपको बताएंगे इसकी क्या मेडिसिन होनी चाहिए। अगर आपको इशू आ रहा है ऐसा तो आप नवीद भाई से एडवाइस दे सकते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। नवीद भाई जो बर्तन यूज़ करते हैं शेड में या केजेस में बर्तन कैसे यूज़ होने चाहिए, कौन से बर्तन यूज़ करने चाहिए? वो स्टील के होने चाहिए जी। अगर हम सर मट्टी के बर्तन यूज़ करें वो बेटर रहते हैं? नहीं, मट्टी के नस्बत स्टील के वाश करने भी आसान होते हैं, उसमें बैक्टीरिया भी कम पैदा होता है। सर एक केज में मिनिमम कितने बर्तन होने चाहिए? एक केज में कम से कम 3 बर्तन होने चाहिए, एक में पानी होना चाहिए, एक में सॉफ्ट फूड होना चाहिए और एक में फीड होनी चाहिए। सर सॉफ्ट फूड के लिए हमें कौन से बर्तन यूज़ करना चाहिए, मट्टी के या स्टील के? स्टील के ज़्यादा बेहतर है। सर जो मट्टी के बर्तन होते हैं कोटेड सर हमें वो यूज़ करने चाहिए या दूसरे कोटेड के बगैर रहते हैं वो यूज़ करने नहीं चाहिए? अगर मट्टी के यूज़ करना चाहते हैं तो कोटेड वाले ही करें। सर एक बहुत कॉमन सवाल है न्यू फैंसी के लिए जो कि बहुत सारे दोस्त अप्लाई भी नहीं करते, सर्दियों में सर हम वाटर क्यों रिमूव करते हैं केजेस में से? वाटर इसलिए रिमूव करते हैं कि जब बर्ड्स सुबह अपनी नींद से बेदार होता है या सूरज तलू होता है तब वो ठंडा पानी पीता है तो उसका गला ख़राब हो जाता है, उससे चेस्ट इन्फेक्शन हो सकती है, इसलिए बर्ड को पानी की ज़रूरत भी ना होने के बराबर होती है सर्दियों में, मगरब के वक्त पानी निकाल देना चाहिए। कितनी देर तक पानी सर्दियों में देना चाहिए परिंदों को? सुबह आप 7-8 बजे डालें और मगरब के वक्त निकाल लें। सर क्या मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए सर्दियों में कोई जो उन्हें सर्दी से बचाए पानी में? नहीं, नेचुरल चीज़ें देनी चाहिए इन्हें, कोई अलसी का तेल हो गया या कोई ऐसी फीड जैसे हमने गर्म कर दी है उनकी फीड में, अंडा ब्रेड देना चाहिए आपको सॉफ्ट फूड में, कोई ऐसी चीज़ें आप ऐड करें। सर कुछ लोग ऐसा करते हैं सर्दियों में गर्म पानी यूज़ करवाते हैं परिंदों को, क्या ये सही है? हाँ, गर्म पानी इतना होना चाहिए कि उसकी ठंडक ख़त्म हो जाए, गर्म नहीं होना चाहिए, इतना गर्म हो कि उसकी वो गर्मियों वाला टेम्परेचर हो बस। सर जैसा गर्मियों में एक मसला आता है डिहाइड्रेशन का, सर्दियों में सर कोई ऐसा मसला आता है परिंदों को? जी सर्दी लग जाती है बर्ड को, सर्दियों से बचाना चाहिए बस। सर आगे हम डिस्कस करेंगे आपसे अनफर्टिलिटी के इशू की वजह से, या अनफर्टिलिटी किस वजह से आती है? कैल्शियम की कमी की वजह से आती है। आप कोशिश करें उन्हें अच्छा फ्रूट अच्छी सब्जी दें और मसनूई कैल्शियम वगैरह देते रहें आप। सर इसकी मेन वजह क्या हो सकती है, मेल की वजह से अनफर्टिलिटी आती है या फीमेल की वजह से आती है? नहीं, अनफर्टिलिटी तो मेल की वजह से आती है, फीमेल ने तो एग उतारने हैं, जब मेल ने उसे फर्टाइल करवाना होता है, मेल में मसला आता है, फीमेल में मसला नहीं होता। सर अगर हमारा कोई पेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसे उसका मेल सेल नहीं कर सकते सर, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम? ट्रीटमेंट आप हमसे डिस्कस करें, बताएं उसकी हरकत के बारे में, क्या वो क्रॉस ठीक करता है, क्या मसला है, फिर उस हिसाब से मेडिसिन उसकी हो जाएगी। सर केज साइज और स्टिक की डायरेक्शन क्या अफेक्ट करती है इनफर्टिलिटी पे? जी करती। सर कैसे करती है सर, अगर स्टिक्स हम एक्यूरेट तरीके से ना लगाएं तो सर कैसे इफेक्ट करेगी? देखिए तो स्टिक का साइज़ ठीक होना चाहिए, एक लगने की लोकेशन ठीक होनी चाहिए, एक बर्ड जो इजीली इस पर ग्रिफ्ट हो। सर हम कैसे चेक करेंगे हमारा जो एक तोते ने उतारा है वो अनफर्टाइल है कि अनफर्टाइल है? वो आप जब एग बर्ड उतारता है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर पता चल जाता है। सर अगर आगे हमें बताएं एग के बारे में, अंडों के बारे में, कुछ फीमेल कच्चे अंडे उतार देती है सर, इसके का मसला था, उसका सलूशन क्या है? कैल्शियम की कमी होती है, उसे कैल्शियम मसनूई कैल्शियम ज़रूर दें आप फिर उसे। सर कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक ही बॉक्स में 7-8 अंडे पड़े तो सर इसकी वजह क्या होती है? वो आपका जेंडर क्लियर नहीं होता, बात का ये होता है कि वो दोनों फीमेलें होती हैं। सर कई दफ़ा वो इशू आता ही आता है कि जो फीमेल होती है वो अंडा तोड़ देती है, उस पर क्रैक आ जाता है सर, इसका सलूशन क्या होगा? वो जब आप वक्त खोलते हैं तो एहतियात से खोलें, कोशिश करें जब बर्ड बाहर हो तब चेक करें, जब आप एग चेक करने की कोशिश करते हैं जब बर्ड फड़फड़ाता है तो उससे वो क्रैच हो जाता है। सर अगर क्रैक आता है सर उसका सलूशन क्या है, हम अंडे के ऊपर क्या चीज़ लगाएंगे? उसके ऊपर आप नेल पॉलिश लगा लें वो ज़्यादा बेहतर है। सर कुछ फीमेल के एग बाइंडेज होगा का इशू होता है सर, उसका सलूशन क्या होगा, अगर अंडे उसका रुक जाता है?
अंतड़ियों की खुश्की की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। जब ब्रीडिंग सीजन आ जाए, बर्ड क्रॉसिंग पे आ जाए, तब आपको चाहिए कि कुकिंग ऑयल मुनासिब मकदार में दाने पे लगा के कम से कम 10 से 15 दिन यूज़ करवा दें। अगर ये इशू आ रहा है बैंडेज का, सर इसका सलूशन कैसे करेंगे हम? क्या यही मैं आपको सलूशन बता रहा हूँ, मेडिसिन जो वक्ती तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं फौरी तौर पर? क्रस्टर ऑयल होता है, वो पंसार से भी मिल जाता है और वो आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगा, उसे पकड़ के वो आप दें उसे, इंशाल्लाह उससे भी अंडा रिलीज हो जाता है। सर कई दफ़ा ये इशू आता है कि बच्चा कमज़ोर होता है, वो अंडे से निकल नहीं पाता, सर क्या हमें उस बच्चे को अंडे से निकाल देना चाहिए या वो उसी क्षण में डेथ कर जाए? नहीं नहीं, निकाल देना चाहिए। आप देखें कि बच्चे की जब चूं चूं की आवाज़ आ जानी चाहिए तो उसके बाद आपके पास 72 घंटे का टाइम होता है, 72 घंटे के अंदर अंदर अगर बच्चा निकल आए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप यहाँ से अंडे को टुक लगा होता है, यहाँ से वो सुराख होता है, वहाँ से थोड़ा सा उसे आपको तोड़ देना चाहिए और 2-3 घंटे बाद थोड़ा सा और किस्सा मुख्तसर से आपको 3-4 घंटे के अंदर उसे आप मुकम्मल तोड़ेंगे। आप देखेंगे अगर तो बच्चा अंडे के अंदर गीला है, साथ में ब्लड मौजूद है, तो आप उसी अंडे के वही खोल उसके ऊपर चढ़ा के दोबारा रख दें। अगर आपका बच्चा बिल्कुल कंप्लीट खुश्क है तो आप वो अंडा बच्चा बॉक्स के अंदर रखें और वो साथ में अंडे का छिलका भी साथ रखते हैं ताकि पेरेंट यही समझे कि ये बच्चा खुद निकला है। सर इस बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल ठीक होती है? कुछ बंदे ये कहते हैं कि ऐसे बच्चों को नहीं निकालना चाहिए। नहीं नहीं, ग्रोथ ठीक होती है, पेरेंट फीड करवाएं तो वो ठीक होती है। सर कुछ फीमेल की गंदी हैबिट होती है कि वो अंडे तोड़ देती है, सर इसका सोल्यूशन क्या होगा? वो कैल्शियम की कमी होती है। सर आगे हमें बताएं कि बायोसिक्योरिटी के बारे में, कि हमारी केज की बायस हमारे शेड की बायोसिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, वायरस से बचाने के लिए हमें कौन कौन से इकदाम करने चाहिए? सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए और स्प्रे वगैरह करने चाहिए। सर कौन सा डिसइंफेक्ट यूज़ करना चाहिए हमें शेड में? जो आपके पास अवेलेबल हो। सर जो क्वारंटाइन रूम हम बनाएंगे वो शेड के अंदर बनाना चाहिए, शेड से दूर बनाना चाहिए? शेड से बाहर बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है, अगर ना हो शेड के अंदर भी रखना चाहें तो कम से कम केजेस ज़रूर अलग अलग होने चाहिए, कोशिश करें शेड के अंदर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। सर हमें आगे एज के बारे में बताएं कि हम परिंदा लेके आते हैं रा रिंगना का, हम उसकी एज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस एज का परिंदा है ये? ये उसके पाँव और रिंग को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर रा के बारे में कुछ निशानियाँ बताएंगे हम इसकी एज के बारे में पता कर सकते हैं रा और रिंगना के बारे में? निशानियाँ कुछ खास नहीं होती भैया, ये वक्त और हालात के साथ साथ जब आप बर्ड का काम करते हैं ये खुद ब खुद आपको पता चल जाती है। सर कौन सा ब्रीड किस एज में ब्रीड करता है? सर रा किस एज में ब्रीड करता है, रिंगनेक और कनियोर और ग्रे पैरट? रा जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 साल की एज में, रिंगनेक भी ऐसे ही है, कनियोर है वो 20 से 24 मंथ में, और ग्रे पैरट है ये 3.5 से 4.5 साल की एज में। सर आगे हम फर्दर जेंडर के बारे में बताएं कि हम जेंडर कैसे मालूम करें मेल और फीमेल रा में रिंगनेक में कनियोर में कैसे मालूम करें हम? इसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप DNA करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। सर क्या मेल और मेल को फीडिंग करवा सकता है? जी करवा देते हैं। सर कुछ इशू आता है कि दोस्त लेके आते हैं DNA नहीं करवाते, ला के रख देते हैं, दोनों मेल होते हैं, दोनों आपस में फीडिंग करवा रहे होते हैं, बाद में जब DNA करवाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये दोनों ही मेल थे। सर क्या फीमेल मेल के बगैर एग ले कर सकती है? जी एग ले करती है, पोल्ट्री फार्म में देखें तो कोई मेल तो नहीं होते, वो सारी फीमेल एग ले करती है। एग ले करना फीमेल के बस में होता है और मेल ने सिर्फ और सिर्फ उसे फर्टाइल करवाना होता है, मेल ने एग नहीं उतरवाने होते। शुक्रिया निवेद भाई, बहुत शुक्रिया। आज की ये वीडियो थी, जो हमारी अपकमिंग वीडियो आने वाली है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिजीज़ के बारे में, कॉमन डिजीज़ कौन कौन सी बर्ड्स को आती है, ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रीटमेंट कौन कौन सी करनी चाहिए, मेडिकेशन के बारे में, डेफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे ग्रे पैरट को डेफिशिएंसी कैल्शियम की होती है, ऐसे दूसरे बर्ड्स को कौन सी डेफिशिएंसी होती है। अगर बर्ड्स की मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, बर्ड्स की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, तो अगर ब्रीडिंग सीजन में आता है तब उसकी मूवमेंट कैसी होती है, अगर किसी परिंदे का पोर्ट बंद हो जाता है, किसी पोर्ट बैंडेज कहते हैं, उसका सोल्यूशन क्या होगा। अगर DNA के बारे में वीडियोस आएंगी कि DNA कैसे करना चाहिए, इसका सैंपल कैसे लेना चाहिए। अगर पेयर बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे कि अगर पेयर बॉन्ड करवानी है हमने बर्ड्स की तो कैसे करवाई जाए, और बैड हैबिट्स कौन कौन सी, और डीवर्मिंग कैसे करवाई जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू विल लाइक माई वीडियो।
स्टे वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट बर्ड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।